चार पंद्रह आर्मी, क्या हाल आप सभी का। गर्मा गर्म टेक न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल के ऊपर। और अपने चैनल के ऊपर स्कीम चालू है डिमांड एंड प्रोवाइड की। अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, एप्लीकेशन होगी, मोबाइल होगी, किसी भी चीज के ऊपर, तो आप जाके एक बार एक कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। और उसी के साथ साथ तगड़ी तगड़ी गर्मा गर्म टेक न्यूज है, तो लास्ट तक बने रहिए। बस इतना ही, और चलते आज की पहली टेक न्यूज की तरफ। हर साल मार्केट के अंदर स्मार्टफोन की जो सेल है वो कम होती जा रही है, और इस साल Q2 2022 मतलब कि अप्रैल मई जून इन तीन महीनों के अंदर 9% गिरावट आ चुकी है मार्केट के अंदर। और भाई साहब आगे जाकर और भी आएगी, क्योंकि यार मार्केट के अंदर फ़ोन ही इतने आ चुके हैं, दबादब फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, तो यार सभी के सभी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा फ़ोन ले कौन सा ना ले। और यार एक साल के अंदर एक ब्रांड 15 से 20 फ़ोन निकाल लेता है एक कैटेगरी के अंदर। अगर 10,000 का कैटेगरी के अंदर माने तो उसके अंदर ही 4-5 फ़ोन निकाल देता है साल के अंदर, तो यार लोग कन्फ्यूज है फिलहाल के लिए। और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप के ऊपर चल रहा है सैमसंग, फिर चल रहा है एप्पल, उसके बाद में MI, और उसके बाद में ओप्पो, वीवो, ये चल रहे हैं और अदर्स ब्रांड भी हैं उसके अंदर। तो भाई साहब फिलहाल के लिए सैमसंग मार्केट के अंदर राज कर रहा है एंड्रॉइड्स के अंदर, फिर एप्पल तो यार अलग ही कैटेगरी के अंदर है। तो फिलहाल के लिए ये कुछ न्यूज़ निकल गया, ये स्मार्टफोन शायद से आगे जाकर एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, मगर फिलहाल वो टाइम बहुत दूर है। तो फिलहाल ये बैड न्यूज़ निकल गया स्मार्टफोन के लिए। फोन वन को मार्केट के अंदर लॉन्च हुए लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं, और उसके अंदर बहुत सारे बग्स बताए जा रहे थे। तो भाई साहब फोन्स के अंदर आ चुका एक मेजर अपडेट, बहुत ही बड़ा अपडेट है, उसके अंदर बहुत सारे बग्स को कर दिया है फिक्स। उसके अंदर कैमरा अपडेट्स दिए हैं, जो कि कैमरे के अंदर छोटे मोटे बग्स थे तो उनको फिक्स कर दिया गया है। उसी के साथ साथ बैटरी को ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा दिया, मतलब बैटरी अब आपको फालतू देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ इसके अंदर जो पीछे LED, जो इतनी सारी LEDs थी तो उसके अंदर भी थोड़े बहुत बग्स थे तो उनको भी फिक्स कर दिया गया, तो एक मेजर अपडेट है। जुलाई का सिक्योरिटी पैच भी दे दिया है। तो यार नथिंग वालों का पहला फ़ोन है, पहले फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह दिखा रहे हैं, तो भाई साहब देखते हैं आगे जाकर कितना ज़्यादा अपडेट्स देते हैं और फ़ोन निकालने के बाद, क्योंकि एक फ़ोन है फिलहाल के लिए, आगे जाकर लोड बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए मौज लीजिए नथिंग फोन वन वालों। गूगल पिक्सल 6 से इंडिया के अंदर हो चुका है लॉन्च, फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका बाइंग पेज आ चुका है, जिसके ऊपर फिलहाल के लिए आप जाकर प्री ऑर्डर कर सकते हैं, सीधा ऑर्डर नहीं होगा। और इसका जो वेरिएंट है वो 6GB रैम और 128GB के साथ आया, 44,000 रुपये का। प्राइसिंग मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगी है, क्योंकि इसके जो गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो आए थे उसके अंदर बहुत सारे बग्स थे। और इसके अंदर टेंसर का प्रोसेसर है, जो कि सेम टू सेम वही वाला प्रोसेसर है जो 6A 6 प्रो के अंदर था। तो यार इसके अंदर हीटिंग इशू बता रही थी, और थोड़ा सा इसके अंदर गेमिंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन भी कम थी। तो यार फिलहाल के लिए कुछ ये चीज़ें निकल के आई। 60Hz की इसके अंदर स्क्रीन है, AMOLED स्क्रीन है। तो यार 4400mAh की इसके अंदर बैटरी है। तो सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको बता दी जो मैन होती हैं। फिलहाल के लिए यार मुझे और प्राइसिंग और स्पेक्स वाइज कम लगा है, तो वन प्लस या फिर अदर ब्रांड्स के ऊपर जा सकते हो। गूगल पिक्सल 6 फिलहाल के लिए 6 से रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। इंडिया के अंदर हो चुका है लॉन्च 6 से। वन प्लस वालों ने कल अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया, जिसके अंदर वो चीख चीख के कह रहे हैं कि उनका वन प्लस का 10T आने वाला है। तो स्क्रीन के ऊपर आराम से देख लीजिए, इसके अंदर लिख रखा है You are invited in party। पार्टी के अंदर का टी बटा है, और उसके साथ साथ नीचे कप दिख रहे हैं और उसके अंदर चाय दिख रही है। चाय को अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीना। तो भाई साहब वन प्लस का जो 10T है वो आने वाला है, फिलहाल के लिए कन्फर्म हो चुका है और जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अंदर 8+Gen 1 का प्रोसेसर होगा, और उसी के साथ साथ लगभग हम 4,500-5,000 के आसपास इसके अंदर बैटरी मान सकते हैं। तो एक बढ़िया डिज़ाइन होगा, बैक डिज़ाइन भी आप आराम से देख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होगा। और देख मैन होगी चीज़ इसकी प्राइसिंग, जो प्राइसिंग इसकी देखते हैं कि आपके बार क्या लेके आएंगे, वो कम लेके आएंगे या ज़्यादा, तो वो भी देखते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए ये कन्फर्म हो चुका है, बता दिया है। Qualcomm Snapdragon मोबाइल प्रोसेसर के अंदर राज करते हैं। तो भाई साहब उन्होंने अपने दो नए प्रोसेसर जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, बैंड्स होते हैं, उनके लिए अनाउंस कर दिया। एक का नाम है W5 Gen 1 और W5 Plus Gen 1। तो ये कुछ प्रोसेसर के नाम है। 4nm के ऊपर बेस्ड है, 50% ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, मतलब पावर ज़्यादा चलेगी, और उसी के साथ साथ डबल पावर बताई जा रही है। तो सब कुछ एक नंबर का बताया जा रहा है, और इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि जितने आपको अब स्लिम देखने को मिल रही है स्मार्ट वॉचेस और बैंड्स, तो उससे भी ज़्यादा स्लिम आपको आगे जाकर देखने को मिलेंगे। तो अच्छी बात है यार,
जो ये छोटी छोटी चीज़ें इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं बहुत पहले से, हमें अभी तक वही सेम प्रोसेसर देखने को मिले, सेम स्पीड, तो अब आगे जाकर और भी ज़्यादा पावर हमें देखने को मिलेगी स्मार्ट वॉचिस के अंदर। यार स्मार्ट वॉचिस ही जगह ले लेंगे अब फ़ोन का, तो मगर देखते हैं कि क्या कुछ आगे जाकर आता है, मगर फिलहाल के लिए दो प्रोसेसर नए आ चुके। सैमसंग की फैन एडिशन सीरीज़ के जितने भी फैंस हैं तो उन सभी के लिए बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। इस साल बताया जा रहा है कि S22 सीरीज़ है वो कैंसिल कर दी गई है, फैन एडिशन सीरीज़। और सबसे पहले हमें S20 सीरीज़ देखने को मिली थी फैन एडिशन पे, S21 फिर देखने को मिला, उसके बाद में S22 बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यार अपर मिड रेंज के अंदर होती है 45,000 के आसपास ये फ़ोन देखने को मिलता है, तो भाई साहब एक तरीके से प्रीमियम ही मान सकते हैं, मगर सैमसंग लवर्स के लिए ये थोड़ा सा सस्ता ही मान सकते हैं। बाकी ये कुछ इसी प्रकार से बाहर निकल के आया कि कैंसिल कर दिया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि S22 जो अल्ट्रा सीरीज़ है उसकी जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है कि ये कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ S23 जो सीरीज़ है उसके अंदर 200 मेगापिक्सल, मैंने पहले ही बता दिया था बहुत टाइम पहले कि 200 मेगापिक्सल उसके अंदर आने वाला है, तो वो बताया जा रहा है कि अगले साल हमें देखने को मिलने वाला है, और कितना ज़्यादा खतरनाक होगा तो ये आने के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल के लिए ये कोई न्यूज़ कन्फर्म है। कि M4 सीरीज़ के फ़ोन्स अच्छे थे, बढ़िया थे ये कह सकते हैं, तो उनका जो सक्सेसर है पोको का M5 सीरीज़, तो भाई साहब वो उसकी लिस्ट और जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है। तो M4 ठीक ठाक थी और लगभग प्राइस के अंदर भी बढ़िया थी, तो M5 क्या कुछ जलवा दिखाता है, क्या कुछ स्पेक्स आते हैं, क्या कुछ प्राइजिंग के साथ आते हैं। मैन प्राइजिंग है यार, प्राइजिंग थोड़ा सा कम रखें, स्पेक्स भी देख लेंगे यार। बाकी फ़िलहाल के लिए M5 सीरीज़ हो चुकी है कन्फर्म और जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है, तो देखते हैं बताएंगे आप सभी को कि कब आएगी ये सीरीज। इन्फिनिक्स मोबाइल मार्केट के अंदर भाई साहब धमाल मचा रहा है, उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर अपना एक नया लैपटॉप कर दिया लॉन्च, और ये लैपटॉप 25,000 के आसपास है, तो अफोर्डेबल कह सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं स्पेक्स बता देता हूँ आपको, इसके अंदर है इंटेल का सिलेरॉन का क्वाड कोर प्रोसेसर M5100, जो कि ठीक ठाक सा प्रोसेसर आपके थोड़े बहुत हैविक टास्क है उनको लो सेटिंग अगर आराम से करवा देगा। और उसी के साथ साथ इसके अंदर है 8GB रैम, 256GB की SSD जो कि 5 गुना ज़्यादा फास्टर है नॉर्मल हार्ड ड्राइव से। और उसी के साथ साथ 14 इंच की इसके अंदर HD+ की स्क्रीन, IPS है 300 nits के साथ, तो ये थोड़ी सी मुझे कम लगी, बाकी इसके अंदर और सारे स्पेक्स बढ़िया हैं। तो फिलहाल के लिए ये लैपटॉप अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बाकी फ़िलहाल आप इसका रिव्यू की वेट कीजिए कि कोई अच्छा सा बंदा जो आपको रिव्यू दे सकता है, तो बस इतना ही कह सकता हूँ। बाकी बढ़िया है, लुक वाइज भी बढ़िया है, तो बताइए आपको कैसा लगा, और 25,000 के अंदर ये सारे स्पेक्स इसके अंदर क्या अफोर्डेबल हैं बताइए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो आई पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोक दीजिए। बस इतना ही, लेते हैं आपसे अलविदा, जय हिंद जय भारत, कल आपको फिर से मिलेंगे।